ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਯਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡੱਬਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਯਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਬ ਘਰ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਔਰ ਬੱਚੋ ਬੇਟੀ ਕੋ ਦੇਖਤਾ ਥਾ ਤੋ ਉਨਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕਰ ਮੁਝੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤੀ ਥੀ ਅਗਰ ਪੀ ਪੀ ਐਮ ਨਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ सोमिया की कंडीशन जब डॉक्टर ने देखी तो उन्होंने कहा जी कि इसका सैंपल भी ले लें तो और साथ में इसको एक्सरे के लिए भी एडवाइस किया और साथ में इसकी मदर को भी उन्होंने कहा जी कि आप भी अपना एक्सरे करवाएं जैसा कि हमारे रूल में है कि जब कोई स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट है तो हम उसके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनका हम स्क्रीनिंग करते हैं तो इसकी वालदा को ऑलरेडी डॉक्टर ने एक्सरे एडवाइस किया हुआ था तो जब डॉक्टर ने उनका एक्सरे देखा तो डॉक्टर ने कहा जी कि ये सोमिया के साथ इसकी मदर की भी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी जब सानू पता लगा कि थे वे पीपीएम आ रहे हैं तो लान होया सी फिर अपनी मसीरा ने उसने बताया गए हैं जाके डॉक्टर ने दस्या भी बच्ची ने उसने खांसी है वे उन्हें कहा कि इसकी बगलम में चेक करो करो बगलम दी बगलम वो लै गए उस तरह आख्या कि तुम एक्सरे दे चुका ये पिमर गए हैं उत जाके एक्सरा कराया है ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਵਟ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਵਟ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਖਾਧੀ ਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ ਜਬ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਕੇ ਲਈ MLC ਬਿੰਬਰ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮੁਝੇ ਦੀ जब मैं पैसे देने लगा तो इन्होंने कहा कि यह दवाई फ्री है तो मुझे काफ़ी हौसला हुआ मरीज़ को दवाई पहुंचाना तो सर हमारी ज़िम्मेदारी में नहीं है लेकिन ये अभी हमारा मरीज़ है इनका घर दूर है तो काफ़ी इनके लिए ट्रेवल है जिस वजह से इन्हें दवाई पहुंचाना ये मैंने अपनी ज़िम्मेदारी में समझा इनके इलाज के सिलसिले में एक तो मुझे खासी परेशानी और दुश्वारी का सामना ये था कि रास्ता जो है उसकी बड़ी जिसे हम कह सकते हैं जी दुश्वार सूरत हाल है कि अगर बारिश हो जाए तब भी बंदा यहाँ पे सफ़र नहीं कर सकता बारिश ना भी हो तो उस सूरत में भी पैदल चलना पड़ता है पैदल सफ़र करके आना पड़ता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर नहीं है एक दिन बारिश हो गई थी एक टोटल एक दिन की मेरे पास दवाई थी तो मैं नाले में पानी था बहुत ज़्यादा जाने के लिहाज से मैं बहुत परेशान था जिसे हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं कि पक्की सड़क है वो पक्की भी इस तरह के बस लफ्ज़ों में पक्की है वैसे पक्की वाली उसमें बात नहीं है और उसके बाद आगे ये बरसाती नाले उसमें से आ रहे हैं जिनमें पत्थर रेत मिट्टी मर्सी कोर पाकिस्तान में 1986 से काम कर रहे और हमारा जो काम है वो प्राइमरीली पब्लिक हेल्थ के अंदर है पिछले एक साल के अंदर हमने तकरीबन 35,000 के करीब मरीज़ जो हैं डायग्नोज किए हैं थ्रू आर पार्टनर्स और थ्रू प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कहते हैं कि एक साल के लिए अगर मरीज़ अनट्रीटेड रहे जिसके बलगम में जरासीम आ रहे हैं तो वो एक साल में 10 से 15 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है अपने आसपास के लोगों में सो, एक तो ये है कि मरीज़ तक पहुंचा जाए जो मरीज़ नहीं आ रहा आप उस तक पहुंचें और दूसरा ये है कि इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस रेज की जाए कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी को हाथ लगाने से हाथ मिलाने से कपड़े इस्तेमाल करने से खाना प्लेटें इस्तेमाल करने से ये बीमारी नहीं फैलती और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस बीमारी का इलाज मौजूद है जड़े इदारे ने सानू ये दवाइयाँ वगैरह दितियाँ उन्होंने साडा बड़ा ध्यान किया साडे नाल बड़ा तामुन किया ते नाले आज मैं बिल्कुल ठीक हाँ हुण मैं स्कूल भी जानी हाँ ते घर आके चंगी तरह रोटी भी खानी हाँ पी पी एम ने साडा बहुत ख्याल किया है
ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦਵਾਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ MLC ਔਰ ਮਰਸੀ ਕੌਰ ਕਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਔਰ ਬੱਚੀ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ।